नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। दोस्तों जरूरी बातें जो जिंक सुपर एफटीए डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स संबंधित है। जब जिंक सुपर एफटीए डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स को आप रिचार्ज करते हैं, वैसे तो दोस्तों अगर 2 साल तक आप केवल एफटीए चैनल से देखना चाहते हैं तो रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पेड चैनल से देखना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी बातें दोस्तों आपको बता देते हैं। जब भी आप जिंक सुपर एफटीए डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज करें तो इन ज़रूरी बातों को ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि दोस्तों आपको रिचार्ज करने का फ़ायदा मिल सके। और उसी रिचार्ज अमाउंट में दोस्तों, जो रिचार्ज अमाउंट में आप रिचार्ज करने जा रहे हैं, कई सारे ऑफर्स उपलब्ध रहते हैं, उनको एक बार आप जरूर चेक करें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूरी बातें आपको हम बता देते हैं। एक तो दोस्तों जो रिचार्ज अमाउंट होता है जिंक सुपर एफटीए डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स का, जैसे ही आप माई डिश टीवी ऐप ओपन करते हैं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं जो जिंक सुपर एफटीए डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स एसोसिएटेड है, या फिर जो जिंक सुपर एफटीए डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स का वीसी नंबर है उससे लॉगिन करते हैं, तो माई डिश टीवी ऐप के माध्यम से, माई डिश टीवी ऐप और जो माई डिश टीवी अकाउंट है उसके माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, रिचार्ज अमाउंट जो भी पेड चैनल्स आपने एक्टिवेट कर रखे हैं। दोस्तों उसमें समय समय पर जो ऑफर्स सेक्शन है, जो रिचार्ज सेक्शन है, उसी में आपको दिख जाता है। वो माई डिश टीवी ऐप ओपन करते ही नीचे बॉटम पर होता है, वहाँ पर एक बार आप चेक जरूर कर लें दोस्तों। उसमें कभी कभी रिचार्ज अमाउंट पर कुछ एक्स्ट्रा रिचार्ज भी मिल जाता है, यानी कि जैसे 100 का रिचार्ज करते हैं तो 125 रुपये तक माई डिश टीवी ऐप के माध्यम से आपके माई डिश टीवी अकाउंट में शो होने लगता है, तो 25 रुपये का बोनस अमाउंट आपको मिल जाता है। इस तरीके से रिचार्ज ऑफर्स आते रहते हैं दोस्तों, अलग अलग सेट टॉप बॉक्सेस पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों इसीलिए कह रहे हैं सभी के लिए होता है, लेकिन आपको उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करना ज़रूरी है। तो तरीका क्या है, माई डिश टीवी ऐप ओपन करें, रिचार्ज सेक्शन में जाएं एकदम बॉटम पर, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब आप कई सारे चैनल्स एक साथ लेते हैं जो आप पेड चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो उस पर भी आपके लिए रिचार्ज ऑफर्स रहते हैं, उसको भी चेक करने का तरीका सेम ही है दोस्तों। माई डिश टीवी ऐप ओपन करना है और फिर रिचार्ज सेक्शन में जाना है और वहां से ऑफर्स आपको देख लेने हैं। दोस्तों एग्जैक्ट अमाउंट का ही रिचार्ज होता है। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि जिंक सुपर एफटीए डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स मिनिमम रिचार्ज अमाउंट क्या है। दोस्तों जो पेड चैनल्स आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, मान लीजिए 3 पेड चैनल आपने सब्सक्राइब किए और 55 रुपये मंथली रिचार्ज प्राइस बना, तो आप 55 रुपये भी रिचार्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 100-200 ही रिचार्ज करें, तो आप अपने सुविधानुसार दोस्तों जितना पेड चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको ही रिचार्ज करें, उतना ही रिचार्ज अमाउंट दें। और ये दोस्तों सबसे आसान हो जाता है माई डिश टीवी ऐप के माध्यम से। अगर माई डिश टीवी ऐप के माध्यम से आप रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट का रिचार्ज कर सकते हैं जितने अमाउंट का चैनल आपने जिंक सुपर एफटीए डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स में ऐड किया। इसीलिए दोस्तों प्ले स्टोर से, यानी गूगल प्ले स्टोर से माई डिश टीवी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और फिर उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वीसी नंबर से लॉगिन करके सारे ऑफर्स चेक कर लें, तभी रिचार्ज करें। दोस्तों ये थी कुछ जरूरी बातें जो आपको बतानी जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।